हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे 43 पे हम हैं अभी, और हाईवे में भी लोग यही गलतियां कर रहे हैं। अब मैं रोकना नहीं चाहूँगा क्योंकि स्पीड से लोग आते हैं अनावश्यक जो है, तो देखिए, लेकिन किसी के भी सिर पे हेलमेट नहीं है। इसको लगाइए, आप हेलमेट को लगाइए, हेलमेट को रखे हैं मतलब कि क्या। नमस्कार, तुम्हारा किस काम का नमस्कार? स्पीड धीमा करें थोड़ा। हाँ, स्पीड, और आपसे बता दूँ कि जो सड़क है, और सड़क पे जब आवश्यकता हो थोड़ा तेज चलो, पर उसकी उसकी भी एक गति सीमा है, उसको निर्धारित गति सीमा है। शर्म आनी चाहिए, हाईवे पे चल रहा बिना हेलमेट के, मतलब पुलिस आपके 24 घंटा खड़ी रहे। दोस्तों, ये वही रोड है, हमारी चेकिंग भी रहती है यहाँ पर। उस टाइम पे लोग खेतों में कूद कूद के, आपसे बताऊँ, आगे का जो दुर्वार वगैरह के आगे का एरिया है, लोगों ने बाईपास बना दिया है। इस रोड को अवॉइड करते हो जब तक पुलिस चेकिंग में है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस कितना पीछे रह पाएगी आपके पीछे? दिन भर लगेगी, 24 घंटा तक लगी रहेगी? ये तो सेल्फ अवेयरनेस से ही हो सकता है। बिल्कुल सर, जब तक हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता कोई काम। और कितने का चालान, कितना लोगों का चालान किया जा सके, क्या किया जा सके, मतलब ये ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जब तक आप ट्रैफिक रूल्स को अपने दिल से नहीं पालन करना चाहते हैं, तब तक कोई नहीं पालन करवा पाएगा। बराबर, पूरे देश की यही स्थिति है। अभी ये करंट सी घटना है हमारे फैमिली की। ये ईयरफोन निकालो, ये हेलमेट नहीं लगाया, ईयरफोन भी लगा के चल रहे हैं। एक गलतियां नहीं करते साहब, यहाँ बहुत गलतियां करते हैं लोग, और दुर्घटना के कारण यही है। आपने ठीक बोला। अब फिर सर आपसे बता दें कि फिर जो है तो पूरा दोष ऊपर वाले के सर में थोप देंगे। हाँ, कैसा हो? हाँ, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। ये एक ही हेलमेट लेके जा रहे हैं, हेलमेट लगा के जा रहे हैं, इनको किसने बोला होगा? सही। तो ये तो अपनी आपसी सूझबूझ है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें मैं चाहता हूँ। सर, आप क्या करते हैं, शुभ काम क्या आपका? सर, मैं पेशे से वकालत करता हूँ। अरे, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सही आदमी से भी बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं प्राध्यापक हूँ पेशे से। बहुत बढ़िया सर, तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? हमारे पूरे भारत देश के लोग देख रहे हैं इसको। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम हेलमेट लगा के अपनी स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं, ना कि दूसरों की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर हमारा जीवन बचेगा तब हम दूसरे के जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि करंट में एक घटना हमारे परिवार में ही हुई है। एक मामा जी के बच्चा था जो हेलमेट ना करा। देखिए, हेलमेट सिर पे लगाने के लिए, हाथ में टंगाने के लिए नहीं है, हैं? गजब हो गया। हाँ, तो ये आपके परिवार पे घटना? हाँ, परिवार, हमारे मामा जी सच्ची बच्चा जो है उनका छोटा वाला। हाँ। क्या हुआ है कि हेलमेट ना लगाने के कारण पत्थर वगैरह पड़ा जिसके रात के समय, और उसके सिर में ऐसी चोट आई है कि डॉक्टर ने रेफर करके कानपुर भेज दिया है। 24 घंटे से उसको होश नहीं, ब्लड की अभी की बात, करंट परसों की घटना है। और जो अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबसे नाजुक चीज, मेडुला, यहाँ पे वहीं पे चोट लगी। देखिए साथियों, मैं ये कहता हूँ कि एक्सीडेंट, आपके हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट ना होगा, एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन बचाव आपका बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपके सिर की सुरक्षा हो गई, इस ऊपरी भाग की अगर बचाओगे, क्योंकि ये दोबारा दूसरा लगता नहीं है, आपके हाथ जो हैं वो आप कट गए तो दूसरे लग जाएंगे, इसका कोई बहुत जल्दी, और ज़्यादा ब्लड अगर गिरा इससे तो हो गया। नहीं, वो उनकी मेमोरी वो हो गई, वो पहचान नहीं पाते हैं। सोचिए कितना, और ये तकलीफ क्या है कि हम जो है तो महसूस कर सकते हैं, जब हमारे घर पे कोई बीतती है तो महसूस करते हैं। और पूरे दुनिया में, देश में, अगर आपसे बताएं, किसी भी महामारी से ज़्यादा लोग इससे खत्म, इससे बीमारी से ज़्यादा जिससे नहीं मरते लोग, इस पर जान लगा। आज का यूथ इसी में अधिकतर, अगर घटनाएं हो रही है तो इसी कारण हो रही है। इतना बढ़िया, इतना सिस्टम है, थोड़ी सी अवेयरनेस। हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो? अब यही बगल में गया था, बगल में सर। कहीं कहाँ गए थे आप बगल में? मेडिकल गया था डॉक्टर के पास, ये पिंपल्स के लिए। छोटी सी चीज के लिए, पिंपल्स के लिए डॉक्टर के पास गए हो और नियम तोड़ते हुए गए हो? हेलमेट क्यों नहीं लगा के चलते हो? अब कैसे जागरूक करेगी पुलिस? आपको समझा रही है, पढ़ा रही है, स्कूल जा रहे हैं, हम हर जगह पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब क्या करें आपके लिए? बताइए, अब क्या करें आपके लिए? आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये गाड़ी खरीद रहे हो,
है ना। कई लोगों के, आप में से कई लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि सर वो फाइन करने से जगह आप हेलमेट दिया कीजिए। अरे इनको 1,00,000 हेलमेट दे दीजिए ना आप, 1,00,000 है, 1,00,000 बार आप चेक करके इनको हेलमेट दे दीजिए तो अभी वो 1,00,000 घर में रख देंगे, उसको लगाएंगे। हजारों लाख बहाने ढूंढते हैं। आप मेडिकल के लिए गए थे, वहाँ हॉस्पिटल में देखे मरीजों की क्या हालत रहती है, बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो जा रहे हैं आने वाले भविष्य को ले जा रहे हैं। क्या चाहते हो भाई कि पुलिस 24 घंटा आपके साथ रहेगी? पुलिस कहती तब खाना खाते हो? खाना तो अपनी मर्जी से खाते हो ना, हैं? कि पुलिस ने बोला तो पेट्रोल डलवा लो बेटा, चलो इसमें पेट्रोल डलवाए आप, क्यों नहीं लगाते हेलमेट को? स्वयं की जागरूकता को जानो, एक अनुशासन में आओ आप, एक डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। सैल्यूट यू सर, सैल्यूट। हेलमेट लगाने में हमारी सुरक्षा है यार, कितने का फाइन करेंगे आपका हम? आपकी जिंदगी से बढ़कर कोई फाइन है? आप खुद समझिए उस बात को। चलिए दोनों लोग हेलमेट लगा के ही चलो, इतनी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, 3 सवारी चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, दुर्घटना होगी। ये बता के नहीं आती दुर्घटना कभी। हाँ, आप समझेंगे एक्सीडेंट बता के नहीं होता है कभी भी। जब आप लगाएंगे तो आपका पड़ोसी बोलेगा मेरे लिए भी हेलमेट दे दो यार, मैं साथ चलूं। जब आप ही नहीं लगाएंगे तो नहीं होता। दोनों लोगों को जरूरी है, यहाँ कोई, यहाँ सब महान है भारत देश के। और अभी आप रोकिए तो बहस तो इस कदर करेंगे कि लगता बस सबसे बड़े वही वकील हैं। अदालत यही खुल जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए जाइए। रोकने का उद्देश्य नहीं था, आप जागरूक बने, आप जागरूक बने, हमारा ये है कहना भाई। एक हेलमेट लगा के निकल रहा है सभी, जब जिस दिन हेलमेट लगाए कितना अच्छा लगेगा, वो दृश्य ही अलग रहेगा। ये सिंबल भी बना हुआ है।